एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो अभी काम वाम हो चुका है, खाना भी बन चुका है और मैंने अभी खाना भी बना लिया है। बस खाना खाने के लिए बाकी, कुछ अभी बनाना है, कुछ बनाना है अभी। ये देख सकते हैं, सब्जी बन चुकी है और ये चावल बन चुका है और रोटी भी बनानी है और ये राजमा है, राजमा की सब्जी बनी है। तो राजमा चावल ही अच्छा लगता है, तो बस चावल बना लिए हैं और राजमा भी बना लिए हैं और अभी रोटी बनाना बाकी है। तो मैंने कहा चलो बाद में बना दूंगी, जब खाएंगे तब बना दूंगी, अभी इसे ठंडी हो जाएगी रखे रखे, इसलिए नहीं बनाए। तो बस यही है। और आज कुछ खास आया है मेरे लिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद। तब तक मैं खाना बना के और सबको दे दूँ, इसके बाद मैं आप सबको दिखाती हूँ कि आज मेरे लिए क्या आया है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और वैसे तो सारा खाना पीना सब बन चुका था, रोटी ही बाकी रह गई थी। तो मैंने कहा चलो रोटी बना देते हैं और सबको खाना भी दे देते हैं। तो खाना दे दिए थे, खाना रोटी बनाकर, और फिर शाम के समय मैं आज वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि शाम को मैं चली गई थी पापा जी के यहाँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनसे मिलने चली गई थी। बोले कि बुला रहे थे, बोले आ जाओ, तो हम लोग चले गए थे वहाँ, तो इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाए। तो छोटी सी वीडियो है, आप लोगों को अगर अच्छी लग जाए वीडियो छोटी सी मेरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हैं चैनल में। तो अगर पहले से हैं तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरी फैमिली में शामिल होने के लिए। मेरी छोटी सी फैमिली है, उसको मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मेरी फैमिली इतने दिनों से मेरा साथ दे रही है और सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करिएगा, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप सबकी। तो चलो वीडियो में बने रहिए, आगे चल के और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बता दिया करिए, क्योंकि उससे आसानी होती है वीडियो बनाने में कि क्या बनाना है। वैसे तो डेली रूटीन तो चलता ही है, ये डेली रूटीन तो आप सबके साथ रोज़ ही शेयर करती हूँ। अगर और दूसरे टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए मुझे, मैं बहुत बार बोलती हूँ। गाइस, मुझे क्या आया है मेरे लिए, चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। गाइस, ये फोन आया है मेरे लिए, वन प्लस 11R, कैसा लगा? और इसके अंदर चार्जर है, चार्जर, इसकी वायर, अब निकाल के इसमें लगाएंगे सिम, अभी तक सिम नहीं लगी है बस। सो गाइस, मेरा मोबाइल कैसा लगा? और मैंने अपनी वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन लिया है, क्योंकि जो मैंने मेरा पहले वाला मोबाइल था वो ख़राब तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टोरेज की प्रॉब्लम हो जाती थी, जल्दी फुल हो जाता था स्टोरेज, बार बार डिलीट करके वीडियो बनानी पड़ती थी और बंद भी हो जाता था, एडिट करते समय ही एडिट भी नहीं हो पा रही थी वीडियो। तो इसलिए मैंने कहा मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि अभी वीडियो मुझे कंटिन्यू बनानी थी, ऐसे नहीं कि एक दिन बनाया नहीं बनाया, तो इसलिए मुझे लेना पड़ा। सो कैसा लगा जरूर बताइएगा। यहाँ पे लगा हुआ है ऐसा, सबने मिलके वृक्ष लगाया है, पौधा लगाया है।